बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ। फिल्म के ट्रेलर के साथ फिल्म के गाने भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस फिल्म को लेकर जहां फैंस के बीच उत्साह है, वहीं अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस फिल्म के गाने हुड़ हुड़ दबंग पर आपत्ति जताई थी और CBFC से इसे हटाने की मांग की थी। फिल्म कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ट्विटर पर #BoycottDabang3 ट्रेंड कर रहा है। इसके चलते सलमान खान फिल्म्स ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसकी सूचना SKF के आधिकारिक इंस्टाग्राम से दी गई है। दरअसल ये फिल्म सलमान की होम प्रोडक्शन है, जिसे प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के हुड़ हुड़ दबंग गाने में कुछ साधु संतों को गिटार पकड़कर डांस करते फिल्माया गया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉयकॉट दबंग 3 ट्रेंड करने लगा। SKF के इंस्टाग्राम अकाउंट से बताया गया कि गाने के सभी दृश्य हटा लिए गए हैं जिन पर आपत्ति थी। हम सभी की भावना का सम्मान करते हुए गाने से ऐसे दृश्यों को एडिट कर चुके हैं। बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान एक नहीं बल्कि 2 एक्ट्रेस से इश्क फरमाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा पहले से ही फिल्म की कास्ट में शामिल थी, जबकि नए किरदार में सई मंजरेकर की एंट्री हुई है। इस फिल्म में सई और सलमान के बीच लव दिखाया जाएगा। फिल्म में सलमान खान बिल्कुल जवान नजर आएंगे। इस बार चुलबुल पांडे को 18 साल से कम उम्र का दिखाया जाएगा। दबंग 3 में चुलबुल पांडे के किरदार की पास्ट लाइफ को दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से कहानी फ्लैशबैक में जाएगी। फिल्म में तब की कहानी दिखाई जाएगी जब चुलबुल पांडे को पुलिस की नौकरी नहीं मिली थी। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अरबाज खान, साउथ एक्टर सुदीप मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।